हेलो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। चैप्टर फर्स्ट रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के कोरिस्पोंडिंग, जो बेसिक होगा। एक्सरसाइज 1.1 रिलेटेड है रिलेशंस से। रिलेशन हमने 10+1 क्लास में भी पढ़ा है, थोड़ा सा उसको देखते हैं जो हमने 10+1 क्लास में पढ़ा है और जो आगे है हमारा जो कंटिन्यूड है। रिलेशंस मींस जो प्लस वन का आपने पढ़ा हुआ है उससे आगे जो रिलेशन है 10+2 क्लास में उसको देखते हैं। तो अगर हम क्लास 10+1 की बात करें तो 10+1 क्लास में हमारा जो चैप्टर फर्स्ट था वो था सेक्स, और जो चैप्टर सेकेंड था वो था रिलेशंस। मीन्स चैप्टर सेकंड में हमारे पास रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, क्योंकि जो रिलेशन होगा वो भी एक सेट ही होगा, तो इसके लिए भी थोड़ी बहुत सेट की जो नॉलेज है वो होनी चाहिए। सेट क्या था? सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स था। सेट को हम दो तरीके से लिख सकते थे, एक तो सारे के सारे एलिमेंट टेबुलर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म में, और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म या फिर प्रॉपर्टी मेथड से हम उसको लिख सकते थे। तो इसके बाद आ जाता था हमारे पास, जैसे हम सेट की बात करते हैं, मान लो कोई भी सेट है, सेट ए 1, 2, 3 ये इसके एलिमेंट है। उसके बाद आ गया था हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। मान लो सेट ए है 1, 2, 3 और सेट बी है हमारे पास 4 और 5, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी क्या होगी? 1, 4, 1, 5, 2, 4, 2, 5, 1, 4, 1, 5, 2, 4, 2, 5, 3, 4 और 3, 5। तो ये हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट होगी। कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो फर्स्ट सेट से बिलोंग करेगा और जो सेकंड एलिमेंट होगा वो सेकंड एलिमेंट से सेट से बिलोंग करेगा। मीन्स अगर हमें बी क्रॉस ए कैलकुलेट करना है तो बी का जो एलिमेंट होगा वो पहले होगा, तो 4, 1, 4, 2, 4, 3, 5, 1 और 5, 2, 5, 3 ये हो जाएंगे हमारे पास। तो यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ए क्रॉस बी दैट इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, क्योंकि 1, 4 ए क्रॉस बी के अंदर बिलोंग करता है लेकिन बी क्रॉस ए के अंदर नहीं है। ठीक इसी तरह से हम कह सकते हैं कि एन ऑफ ए क्रॉस बी दैट इज इक्वल टू एन ऑफ बी क्रॉस ए, मीन्स इसके अंदर जितने एलिमेंट है इतने एलिमेंट इसके अंदर होंगे। तो यहां से 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहां पे भी 1, 2, 3, 4, 5, 6। थर्ड जो इंपॉर्टेंट बात है इसमें वो है एन ऑफ ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। चेक कर लेते हैं, एन ऑफ ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट है, ए में 3 एलिमेंट है, बी में 2 एलिमेंट है, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, 6, तो सही है हमारे पास। तो ये हमारा जो बेसिक था वो कार्टेशियन प्रोडक्ट से था। इसके बाद आता था रिलेशन, रिलेशन आर फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट ए टू सेट बी। आर एक रिलेशन होगा फ्रॉम सेट ए से सेट बी, सच दैट आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। जो आर होगा वो ए क्रॉस बी का सबसेट होगा, आर जो होगा वो ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। अब सबसेट ए क्रॉस बी का, ए क्रॉस बी का सबसे छोटा सबसेट क्या हो सकता है? एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ ईच सेट, और ईच सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो सबसे छोटा जो रिलेशन है वो क्या होगा? एम्प्टी सेट, और जो सबसे बड़ा रिलेशन होगा वो होगा हमारे पास पूरा का पूरा ए क्रॉस बी। इसको एम्प्टी रिलेशन बोलेंगे और इसको यूनिवर्सल, क्योंकि सारा का सारा जो सेट था वो कंटेन कर लिया। तो ए क्रॉस बी, अगर आर ए क्रॉस बी हो जाता है तो उस केस में हम इसको बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन, बाकी बीच में कुछ भी हो सकता है। मान लो ए हमारे पास बी है, ए है, बी हमारे पास सेट ए और सेट बी दिया हुआ है,
ए क्रॉस बी हमारे पास ये बनेगा, और हमारा कोई भी रिलेशन है जो इस तरह से डिफाइंड है कि डिफाइंड करने के बाद वो एम्प्टी आता है, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आता इसका, तो एक एम्प्टी रिलेशन हो जाएगा। और अगर सारे के सारे सेटिस्फाई कर लेते हैं तो फिर वो यूनिवर्सल रिलेशन हो जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल आर इज ए रिलेशन इज ग्रेटर देन आर एक रिलेशन है जो कैसा है इज ग्रेटर देन मीन्स ए इज ग्रेटर देन बी मीन्स फर्स्ट जो एलिमेंट है वो सेकेंड एलिमेंट से ग्रेटर है। लेकिन ऐसा तो कोई एलिमेंट है नहीं, वन भी ग्रेटर नहीं है फोर से, फाइव से, टू से, टू फोर, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है। तो इस केस की कोरस्पोंडिंग जो आर होगा वो कैसा होगा, एम्प्टी रिलेशन होगा। ठीक इसी तरह से अगर हम एक और रिलेशन डिफाइन करें कि रिलेशन आर इज ए रिलेशन कैसा है इज लेस देन, अब की बार इज लेस देन, तो आप ध्यान से देखें कि वन फोर से लेस है, वन फाइव से लेस है, टू फोर से लेस है, टू फाइव से लेस है, थ्री फोर से लेस है, थ्री फाइव से लेस है। तो यानी कि आर के अंदर ये सारे के सारे एलिमेंट आ जाएंगे, यानी कि आर क्या बन जाएगा ए क्रॉस बी, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा यूनिवर्सल रिलेशन। तो एम्प्टी रिलेशन को और यूनिवर्सल रिलेशन को इसको हम कलेक्टिवली बोलते हैं एक्सट्रीम रिलेशन, या तो बिल्कुल एम्प्टी या फिर पूरा का पूरा यूनिवर्सल रिलेशन। तो इस तरह को हम इसको एम्प्टी रिलेशन को और जो यूनिवर्सल रिलेशन है उसको एक स्पेशल नाम दे देते हैं, उसको बोलते हैं हम एक्सट्रीम रिलेशन। तो जो प्लस वन क्लास में हमने रिलेशन पढ़ा था उसमें रिलेशन की जो डेफिनेशन थी वो थी आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, मीन्स जो आर रिलेशन था वो सेट ए से सेट बी पे था। ज्यादातर क्वेश्चन हमारे पास ए और बी दो सेट्स गिवन थे उनके कोरस्पोंडिंग थे, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे यानी कि हमारे पास आर जो सबसेट हो गया वो किस पे था ए क्रॉस ए पे, मींस हमारे पास जो सेट गिवन है वो जनरली ए सेट गिवन था, ए ही गिवन था, तो ए से ए पे अप्लाई करना है। मान लो ए हमारे पास वन टू थ्री है तो जो ए क्रॉस ए होगा वो वन वन, वन टू, वन थ्री, टू वन, टू टू, टू थ्री, थ्री वन, थ्री टू और थ्री थ्री, यानी कि अब की बार जो आर होगा वो किसी भी तरीके से डिफाइंड होगा वो सबसेट होगा ए क्रॉस बी। जनरली जो प्लस वन क्लास में रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन थे वो सेट ए और सेट बी के कोरस्पोंडिंग थे, और जो आपके पास प्लस टू क्लास में जो क्वेश्चन है वो जनरली दोनों ही सेट ए की गिवन है, ए ही सेट गिवन है। तो यहाँ पे जो हमारे पास डेफिनेशन है वो है रिलेशन आर इन ए सेट ए इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, मीन्स हमारे पास ए कोई सेट गिवन हो सकता है, ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हो सकता है, सेट ऑफ रियल नंबर्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो ए गिवन है उसके हिसाब से हमें अपने क्वेश्चंस जो भी हमारे प्रॉब्लम्स है उनको सोल्व करना है। तो यहाँ पे जो 10 प्लस 2 क्लास के लिए हमारे पास रिलेशन है वो है टाइप्स ऑफ रिलेशन, जो हमारी एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन हमें सोल्व करने हैं उसके लिए हमें चाहिए टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो 1.1 प्रॉब्लम एक्सरसाइज में जो प्रॉब्लम है उसमें है, एक है हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होगा, रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए इज सेट टू बी रिफ्लेक्सिव, रिलेशन आर को सेट ए पे जो रिलेशन है आर उसको रिफ्लेक्सिव कब कहेंगे, इफ ए ए बिलोंग्स टू आर, अगर ए ए बिलोंग करेंगे ऑर्डर पेयर ए ए बिलोंग करेंगे आर से फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, मीन्स ए सेट में जितने भी एलिमेंट हैं
उनके कोरस्पॉन्डिंग उन सेट के जो पेयर्स है वो आर के अंदर बिलोंग करने चाहिए, मीन्स वन है तो वन वन होना चाहिए, टू है तो टू टू, थ्री है तो थ्री थ्री होना चाहिए हमारे पास। यहाँ पे ये सिंबल यूज किया है फोर आर, सभी एलिमेंट के लिए ये हमारे पास होना चाहिए। इसमें जो दूसरा है वो है सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक इसी तरह से रिलेशन आर इज सेट टू बी सिमेट्रिक। रिलेशन आर को सिमेट्रिक कब कहेंगे? इफ ए बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर। अगर ए बी बिलोंग कर रहा है तो बी ए भी बिलोंग करना चाहिए। अगर ए बी बिलोंग कर रहा है और उसका जो इनवर्स एलिमेंट है वो बिलोंग नहीं कर रहा तो उस रिलेशन को हम सिमेट्रिक नहीं कहेंगे, क्यों सिमेट्रिक नहीं है। तीसरा है जो हमारे पास वो है ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन आर इज सेड टू बी ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर। अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर से, बी सी बिलोंग कर रहा है आर से, तो ए सी भी आर से बिलोंग करना चाहिए। एग्जाम्पल लेते हैं, आर इज ए रिलेशन इन द सेट ए वन टू थ्री सच दैट वन वन, वन टू, टू थ्री, टू टू और थ्री थ्री। सेट ए पे आर एक रिलेशन है, ये चेक करना है क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करना है इनके लिए। अब सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव कब होता है? जिस सेट पे रिलेशन अप्लाई है उस सेट के कोरस्पॉन्डिंग सारे एलिमेंट आने चाहिए उसमें। मीन्स ए सेट पे हमारा जो रिलेशन है तो हमारे रिलेशन के अंदर क्या होना चाहिए? फॉर ऑल ए, सभी ए के लिए, मीन्स वन वन भी होना चाहिए, टू टू भी होना चाहिए और थ्री थ्री भी होना चाहिए। तो वन वन है हमारे पास, टू टू है हमारे पास, थ्री थ्री है हमारे पास, तो यस इट इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक क्या कहता है कि अगर ए बी बिलोंग कर रहा है तो बी ए भी बिलोंग करना चाहिए। लेकिन यहां पे हमारे पास देखो वन टू तो बिलोंग कर रहा है आर से, लेकिन टू वन बिलोंग नहीं कर रहा आर से, तो इसका मतलब ट्रांजिटिव ये नहीं है, नॉट ट्रांजिटिव, सॉरी नॉट सिमेट्रिक। इसका मतलब ये हमारे पास कैसा है? सिमेट्रिक नहीं है। तीसरा हम चेक करें ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव कह रहा है कि अगर ए बी बिलोंग कर रहा है, बी सी बिलोंग कर रहा है, तो ए सी भी बिलोंग करना चाहिए। अब इसमें जो इस तरह के डबलेट है उनको छोड़ देते हैं, वन वन, टू टू, थ्री थ्री, और देखो क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बचा वन टू और टू थ्री। अब देखो आप कि वन टू बिलोंग कर रहे, टू थ्री बिलोंग कर रहे, ए बी बी सी, वन थ्री बिलोंग करना चाहिए था लेकिन वन थ्री तो इसके अंदर नहीं है कहीं भी, ये बिलोंग नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, नॉट ट्रांजिटिव। तो ये सिर्फ हमारे पास रिफ्लेक्सिव। ठीक इसी तरह से ए सेट पे ही, सेट ए है हमारे पास वन टू थ्री और आर एक हम रिलेशन ले लेते हैं वन वन, टू टू, थ्री थ्री, वन टू और टू वन। अब ये चेक कर रहे हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव ए ए बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, तो वन वन होना चाहिए, टू टू होना चाहिए और थ्री थ्री, वन वन है, टू टू है और थ्री थ्री, तो यस रिफ्लेक्सिव हो गया, तो रिफ्लेक्सिव हो गया हमारे पास। सिमेट्रिक वन वन का
रिवर्स होगा यही होगा, तो यस 22 का भी 33 का, 12 का 21, 21 का 12, तो सिमेट्रिक भी हो गया हमारे पास। ट्रांसिटिव के लिए इन एलिमेंट को तो छोड़ दो, बचा हमारे पास 12, हमारे पास रह गया एक तो 12 और एक 21। देखो ए बी बी सी, तो क्या होना चाहिए हमारे पास इस हिसाब से, 11 होना चाहिए जो कि हमारे पास है, तो यस ये हमारे पास ट्रांसिटिव भी हो गया। तो ये जो रिलेशन हुआ वो रिफ्लेक्सिव भी हुआ, वो सिमेट्रिक भी हुआ और वो ट्रांसिटिव भी हुआ। वो रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांसिटिव भी होता है, उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन कौन सा होगा जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होगा, ट्रांसिटिव भी होगा और सिमेट्रिक भी होगा। तो आपको मान लो इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है, तो आपको क्या प्रूव करना है कि वो रिफ्लेक्सिव भी है, वो सिमेट्रिक भी है और वो ट्रांसिटिव भी है। आइए एक प्रॉब्लम और देखते हैं। प्रॉब्लम है हमारे पास, लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन। टी हमारे पास कोई सेट है सारी के सारी ट्रायंगल्स का इन ए प्लेन विद आर ए रिलेशन इन टी। जो रिलेशन है वो टी पे किस तरह से गिवन है, आर इसके अंदर वो सारे ऑर्डर पेयर हैं सच दैट टी वन इज कॉन्ग्रुएंट टू टी टू। जो टी वन है वो टी टू के कॉन्ग्रुएंट है। टी वन और टी टू क्या है, टी टू एलिमेंट है और है क्या वो एलिमेंट, सेट टी के एलिमेंट है और सेट टी में क्या है सारे के सारे ट्रायंगल्स। तो टी वन और टी टू ट्रायंगल्स है, जो एलिमेंट है इसके वो ट्रायंगल्स है। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हमें क्या प्रूव करना है, इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने के लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, हमें रिफ्लेक्सिव प्रूव करना पड़ेगा, हमें सिमेट्रिक प्रूव करना पड़ेगा और रिलेशन को ट्रांसिटिव प्रूव करना पड़ेगा। ये तीन काम करने पड़ेंगे। अगर वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव हो जाता है तो हमारा वो रिलेशन कैसा होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। रिलेशन होता तो एक सेट ही है, तो हमने जो पिछले एग्जांपल लिए थे दो, उसमें हमने कौन सी सेट बिल्डर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म ली थी। अब की बार जो रिप्रेजेंटेशन है वो किस फॉर्म में है, प्रॉपर्टी या सेट बिल्डर फॉर्म में, डायरेक्ट एलिमेंट में ना लेके एक जनरल प्रॉपर्टी को फॉलो कर लिया है। अब देखो अगर आप रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन देखें तो रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन थी कि हमारी जो जनरल डेफिनेशन है वो है ए ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए सेट है। अब हमारी क्या बनेगी इसके हिसाब से, दोनों सेम यानी कि टी वन बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल टी वन बिलोंग्स टू टी, क्योंकि सेट जो हमारा वो क्या है टी है। अब टी वन आर से कब बिलोंग, ये जो ऑर्डर पेयर है टी वन ये आर से कब बिलोंग करेगा, जब टी वन इज कॉन्ग्रुएंट टू टी वन। जब टी वन कॉन्ग्रुएंट होगा टी वन के कॉन्ग्रुएंट होगा ही, विच इज ट्रू, तो यस इट इज रिफ्लेक्सिव होगा, क्योंकि टी वन दो ट्रायंगल है, सेमी तो ट्रायंगल है तो कॉन्ग्रुएंट तो होंगी। सेकेंड इसमें क्या हमारी डेफिनेशन थी, मीन्स अगर ए बी बिलोंग कर रहा है तो बी ए भी बिलोंग करेगी, मीन्स अगर टी वन टी टू बिलोंग कर रहा है तो टी टू टी वन भी बिलोंग करेगी। टी टू टी वन कब बिलोंग करेगा, जब टी टू कॉन्ग्रुएंट होगा टी वन के, और यूज क्या करना है, टी वन टी टू कॉन्ग्रुएंट है, टी वन इज कॉन्ग्रुएंट टू टी टू। अगर टी वन टी टू में कॉन्ग्रुएंट है तो टी टू भी तो कॉन्ग्रुएंट होगा टी वन के, और अगर टी टू टी वन के कॉन्ग्रुएंट हो गया तो टी टू टी वन बिलोंग कर गया से, तो यस ये हमारे पास सिमेट्रिक भी हो गया। ट्रांसिटिव क्या था, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, तो ए सी बिलोंग करना चाहिए, तो इसी हिसाब से हमारे पास टी वन टी टू बिलोंग्स टू आर, टी टू टी थ्री बिलोंग्स टू आर, टी वन टी थ्री बिलोंग्स टू आर। अगर ये है हमारे पास तो ये हमें दिखाना है, एक्चुअल में हमें क्या दिखाना है कि टी वन इज कॉन्ग्रुएंट टू टी थ्री। अब देखो
ये हमारे पास है T1 T2 के अगर congruent है तो T1 is congruent to T2, अगर T2 congruent हुआ T3 के तो इन दोनों को अगर combine करें तो T1 congruent होगा T2 के और T2 congruent होगा T3 के, तो इसका मतलब T1 और T3 भी congruent है। अगर T1 T3 congruent होगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये transitive, तो reflexive भी हो गया, symmetric भी हो गया और transitive भी हो गया। तो इस प्रकार हमारा जो रिलेशन है वो कैसा होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये था दोस्तों हमारा एक्सरसाइज 1.1 के लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट था। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप बड़ी आसानी से एक्सरसाइज 1.1 के जो क्वेश्चंस हैं उसको सोल्व कर सकते हो। एक बार फिर देखते हैं, रिलेशंस हैं, 3 टाइप्स के रिलेशंस की बात हो रही है। रिफ्लेक्सिव मीन्स A belongs to R for all A belongs to A, A में जितने भी एलिमेंट है उनके corresponding 1 1 2 2 3 3, A में जितने भी हैं सबके ordered pair होने चाहिए हमारे पास relation के, तो वो कैसा हो जाएगा, reflexive। symmetric में कह रहा है कि अगर A भी belong कर रहा है तो उसका inverse element यानी कि BA भी उसके अंदर होना चाहिए, तो वो हो जाएगा symmetric। transitive में कह रहा है कि अगर A भी हुआ BC हुआ तो AC भी अगर होता है तो वो क्या होगा, हमारा transitive relation। और जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांसिटिव भी होगा उसको हम क्या कहेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। मींस हमें अगर इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है तो हमें क्या दिखाना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव उसको दिखाना पड़ेगा। तो आपके पास दो तरह से क्वेश्चन हो सकते हैं, या तो वो एलिमेंट्स दे दे रिलेशन के अंदर, एलिमेंट्स दे के डायरेक्ट आपसे पूछे कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांसिटिव या इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं, या फिर वो इस तरह से रिलेशन को डिफाइन करते हैं अपने तरीके से कि ये हमारा रिलेशन है, आर इज रिलेशन इज ग्रेटर देन, आर इज रिलेशन इज लेस देन, या कुछ भी, आर इज रिलेशन कॉन्ग्रुएंट है या फिर पैरेलल है, लाइंस के केस में वो पैरेलल कह सकता है, परपेंडिकुलर कह सकता है। तो आपको उसकी जो सेंस है, उस क्वेश्चन की जो सेंस है T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, तो T1 और T2 यानी कि जो ऑर्डर्ड पेयर है उसके एलिमेंट के बीच में ये रिलेशन है, इज कॉन्ग्रुएंट टू, इज कॉन्ग्रुएंट टू मीन्स वो जो एलिमेंट है उसके अंदर वो कॉन्ग्रुएंट है। अब यहाँ पे एलिमेंट कौन है, सेट, सेट कैसा है, टी है, टी कैसा सेट है, ट्रायंगल्स का सेट है, तो एलिमेंट ट्रायंगल टाइप के हो गए। अगर कोई सेट हमारे पास नंबर से रिलेटेड होगा तो उसमें नंबर से रिलेटेड हम काम करेंगे, यहाँ पे टी ट्रायंगल्स के लिए टी यूज कर लिया गया। तो ये था हमारा जो बेसिक एक्सरसाइज 1.1 के लिए। थैंक यू वेरी मच।